थैंक यू कान्हा जी। मेरी वहां ना होने की एक वजह थी। तुमसे किसी ने पूछा? अभी नहीं पूछा है भी, लेकिन आगे जरूर पूछेंगे, इसीलिए मैं अभी से क्लियर कर रही हूँ। मैं ऑडिटोरियम से देख रही हूँ, कोई मुझसे सीधे मुंह बात ही नहीं कर रहा है। एटलीस्ट नाराज होने से पहले जान तो लो कि मैं वहां से गई क्यों। गई नहीं, बिना बताए भाग गई थी। आपने मुझे लास्ट मोमेंट पे डिच किया। और क्यों? मेरी बेटी की खुशी, उसके सपने, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या था काव्या? मेरा जॉब इंटरव्यू था वी। एक अच्छी कंपनी में एक अच्छे जॉब के लिए टेलीफोनिक इंटरव्यू था, कैसे जाने देती मैं भी। आई नो पाखी के लिए डांस परफॉर्मेंस बहुत इंपॉर्टेंट थी, बट थिंक रैशनली भी, पाखी का नाच गाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है या मेरी जॉब? एक छोटे से डांस परफॉर्मेंस के लिए मैं अपनी जॉब इंटरव्यू कैसे मिस कर सकती थी भी? उस वक्त मेरे सामने सिर्फ दो चॉइसेस थी, या तो मैं पाखी के साथ परफॉर्म करती या तो जॉब इंटरव्यू देती। और तूने अपने बारे में सोचा? तो और किसके बारे में सोचती बा? घर ट्रॉफी से नहीं चलता है बा, सैलरी से चलता है। और कौन सा नेशनल या इंटरनेशनल लेवल का परफॉर्मेंस था? और ऐसी परफॉर्मेंसेस तो रोज होती है बा, लाखों में होती होंगी, पर हमारे लिए ये डांस लाखों में एक था, क्योंकि इसमें स्वीटी थी। मगर था तो एक स्कूल का नाच गाना ही ना, कोई बहुत बड़ा कंपटीशन तो नहीं था ना। एक फैमिली के लिए वो बड़ा फंक्शन होता है जिसमें अपना बच्चा डांस करे। माँ तो मैंने भी जो कुछ भी किया ना, इस फैमिली के लिए किया है। डांस एकेडमी और कैफे तो कभी भी बंद हो सकते हैं। अरे अनुपमा के पास तो उसकी स्कूल की जॉब है। अगर डांस एकेडमी बंद हो जाती है तो वो ऑनलाइन भी बच्चों को डांस सिखा सकती है। मगर मेरा और वी का क्या होगा? अगर कैफे बंद हो जाता है तो वी ऑनलाइन लोगों को कॉफी तो नहीं पिला सकता ना। इसीलिए मेरे लिए ये जॉब इंटरव्यू पाखी की ट्रॉफी से ज्यादा इम्पोर्टेंट था। अब बताइए, क्या मैं गलत कह रही हूँ? नहीं बेटा, तूने बिल्कुल सही कहा। तो फिर मेरी ये सही बात सब लोगों को गलत क्यों लग रही है बापूजी? बेटा करेले वाले चाकू से सेब भी काटोगी तो कड़वा ही लगेगा। What does that even supposed to mean? It means के अगर सही बात भी गलत तरीके से कही जाए तो गलत ही लगने लगती है। तो आपका मतलब यही है ना कि मैं ही गलत हूँ? तुम गलत नहीं हो काव्या, तुम्हारा जॉब के लिए इंटरव्यू देना भी गलत नहीं था। गलत था तो बस ये कि तुम वहाँ से स्वीटी को बिना बताए चली गई। तुम्हारी नौकरी से इस घर में किसी को भी परेशानी नहीं है। सब समझते हैं कि एक पढ़ी लिखी काबिल औरत के लिए नौकरी सिर्फ पैसे कमाने का जरिया नहीं होता, बल्कि उसकी पहचान होती है। तुम्हारे लिए मेरी पहचान की कोई कीमत नहीं है ना? है, बहुत है, पर मेरे लिए मेरे स्वीटी के अरमानों की भी उतनी ही कीमत है। तो ऐसे कौन से अरमान टूट गए? मिल तो गई पाखी को ट्रॉफी। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि सब ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हैं। ऐसा कौन सा बड़ा वर्ल्ड कप था? पाखी के लिए वर्ल्ड कप ही था काव्या, सिर्फ इसलिए कि वो हमसे उम्र में छोटी है। इसका मतलब ये नहीं कि उसके सपने भी हमारे से छोटे। हम बड़ों को लगता है कि हमारी मुश्किलें, जिम्मेदारियां, परेशानियां ज्यादा बड़ी होती हैं, लेकिन आजकल बच्चों की उलझने भी उतनी ही बड़ी होती है। बचपन का मतलब अब ये नहीं है कि पतंग उड़ाएंगे, पहिया चलाएंगे या जुगनू पकड़ेंगे। आज बचपन का मतलब है स्कूल, इम्तिहान, प्रेशर, परफॉर्मेंस। बच्चों के सपनों में आजकल वो टॉफी के पेड़ नहीं आते हैं, उनके सपनों में ट्रॉफी आती है, हार जीत आती है, परफॉर्मेंस आती है। तो प्लीज बार बार ये पाखी के परफॉर्मेंस को नीचा दिखाने की कोशिश मत करो। हमारी जिंदगी की परेशानियां जितनी हमारे लिए बड़ी होती है, उतनी ही बड़ी परेशानियां बच्चों के लिए भी होती है। ये सब मैं तुमसे ज्यादा समझती हूँ वी। गॉड, मैं वहां से लास्ट मोमेंट चली गई, ये सबको दिख रहा है। लेकिन इतने दिनों से मैं पाखी को डांस सिखा रही थी, उसकी डांस प्रैक्टिसेस ले रही थी, इतना टाइम और एनर्जी इन्वेस्ट कर रही थी, ये किसी को याद नहीं रहा? याद है, उसके लिए मैंने भी आपको स्टेज पर सबके सामने थैंक यू कहा था, और मम्मी ने भी। आपने तब मेरे साथ सही किया था, इसका मतलब ये नहीं आज आपने मेरे साथ गलत नहीं किया। उस वक्त मुझ पे क्या बीत रही थी मैं आपको एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती। तो मत करो ना एक्सप्लेन, कौन कह रहा है एक्सप्लेन करने के लिए? काव्या जरा शांत रहो और बात को समझने की कोशिश करो। तुम्हें तो बस लेक्चर देने के लिए बहाना चाहिए। तुम्हें अगर मेरी बात पसंद नहीं है तो मैं कुछ नहीं कहूंगी, बस। पर मैं कहूंगी। यू फेल्ड मी बेस्टी, आपने प्रूफ कर दिया कि मैं कितनी गलत थी। मैंने सिर्फ मम्मी को नहीं, आपको भी समझने में गलती की है। ओह, तो तुम फिर से अपनी मम्मी की साइड हो गई? वो अपनी मम्मी के साइड ही थी। ये वो रिश्ता है जो रूठ सकता है, टूट नहीं सकता। बाप प्लीज, आप और आपकी एक्स बहू एक दूसरे को ज्ञान दीजिए ना, मेरे पीछे क्यों पड़े रहते हैं? और वो भी जब सब कुछ अच्छा हुआ है, सब कुछ अच्छा है, पाखी को ट्रॉफी मिल गई है, क्या प्रॉब्लम है? सब कुछ बुरा भी हो सकता था काव्या,
अगर अनुपमा पाखी की बात मान के वहां से चली गई होती तो क्या होता? अगर अनाउंसमेंट के बाद वो परफॉर्म नहीं कर पाती तो क्या होता? पूरे स्कूल के सामने मेरी बच्ची को एम्बैरेस होना पड़ता तो क्या होता? उसका सपना, उसका दिल टूट जाता तो क्या होता काव्या? तब भी तुम अपनी गलती को ऐसे जस्टिफाई कर रही होती? अगर कोई बात होती ना तो मैं समझती भी, मगर जब कोई बात ही नहीं है तो फिर इतना बड़ा इशू क्यों बनाया जा रहा है? इशू नहीं होगा तो तमाशा कैसे होगा? और तमाशा नहीं होगा तो इस घर वालों को खाना हजम कैसे होगा? कभी कभी तो मुझे लगता है कि मैं घर में नहीं, एक टीवी सीरियल में रहता हूं, जहां जब आके खुले एक नया ड्रामा हो रहा होता है, और वो भी छोटी छोटी सी बातों पे। क्या कहा तुमने? छोटी सी बात? यस पापा, किसी भी नॉर्मल फैमिली के लिए ये बात बहुत छोटी सी है, लेकिन हमारी फैमिली के लिए नहीं है। इंडिया में सबसे ज्यादा दूरी कश्मीर से लेके कन्याकुमारी के बीच में नहीं है, बल्कि इस घर के लोगों में और कॉमन सेंस के बीच। काव्या ने जो भी किया ना पापा, कोई भी नॉर्मल इंसान वही करता उस सिचुएशन में, वो अपनी जॉब ही चुनता। तोशु, लेकिन आप लोगों को ये छोटी सी बात समझ नहीं आ रही। थैंक यू तोशु, एक तुम ही हो इस घर में हु टॉक्स सेंस। हमारी महान शाह फैमिली का टिपिकल मिडिल क्लास एटीट्यूड। इस घर में लोगों को अचीवर्स अच्छे नहीं लगते, लोगों को आगे बढ़ने वाले लोग अच्छे नहीं लगते। इन लोगों को वो लोग अच्छे लगते हैं जो हर समय रोते भी लगते रहते हैं, जो महानता का ढोल पीटते हैं। एक्चुअली में ना, ऐसी फैमिलीज का एक ही फेवरेट वर्ड होता है, सैक्रिफाइस। और तुम जैसे लोगों को ये वर्ड सिर्फ तब तक अच्छा लगता है जब तक ये सैक्रिफाइस तुम्हारे लिए हो। मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूँ किंजल, पर मैं तुझसे बात कर रहा हूँ। जो बोलना है साफ साफ बोल। कोई फायदा नहीं है पापा। बाप से बात करने में तू फायदा नुकसान देखने लगा बेटा। राखी दवे के साथ रह के तू बहुत बड़ा बिजनेसमैन हो गया है। आज जब तू पाखी के स्कूल आया था ना, तो मुझे लगा कि मेरा बेटा आया है, वो बेटा जिसके ऊपर मुझे नाज था। लेकिन नहीं, तेरी बातें सुन के मुझे ये बात समझ में आ गई है कि मैं अपने बेटे से नहीं, राखी दवे के दामाद से बात कर रहा हूं। उस बेटे से नहीं जिसके ऊपर मुझे गुरूर था। That's the point ना पापा। जब तक बेटा अपने घर वालों की बात सुनता है तब तक उससे अच्छा और कोई नहीं होता है, लेकिन जिस दिन उस बेटे ने अपनी दिल की बात सुननी शुरू कर दी, उससे बड़ा कमीना कोई नहीं। तुशु, what is wrong with you? ये तुम क्या बोले जा रहे हो? अभी तक मैंने कुछ बोला ही कहा है किंजल, लेकिन आज बोलूंगा। अभी तुम गुस्से में हो तोशु, शांत मन से बात करना। अभी करोगे तो घर का माहौल बिगड़ जाएगा। घर? ये घर कहां से है बापूजी? ये तो एक पिंजरा है, गैस चेंबर, और यहां पे मेरा दम घुटता है। तुझे ये घर पिंजरा लगता है? लगता नहीं है, ये घर पिंजरा है। तभी तो यहां पे कोई भी किसी को आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकता, और तभी तो आप लोग अभी भी काव्या के ऊपर चिल्लाए जा रहे हैं, और किसी ने भी उससे एक बार भी ये नहीं पूछा कि काव्या तुम्हारा इंटरव्यू कैसा हुआ था। तो तू पूछ लेना, तेरे मुंह में क्या दही जमा है? और पूछते तो तब जब हमें पता होता कि काव्या का इंटरव्यू था। घर आने के बाद तो पता चल गया था ना। हाँ तो ठीक है, अब पूछ लेते। बैलू पूछ। काव्या, तुम्हारा इंटरव्यू कैसा हुआ? वाओ, आप लोग अभी भी काव्या का मजाक उड़ा रहे हैं। सच में ये घर कभी भी किसी को उड़ता हुआ नहीं देख सकता। ये बात अगर समर कहता ना तो मैं मान लेता, क्योंकि समर के पंख मैंने काटे थे, मैंने उसे उड़ने से रोका था। पर तू बेटा, तुझे तो पंख भी मैंने दिए और आसमान भी मैंने ही दिया था। तूने जो मांगा मैंने तुझे दिया, जिस कॉलेज में तूने कहा मैंने उसमें पढ़ाया,
जिस कोचिंग क्लासेस में कहा वहां भेजा तुझे। तो एक काम करते हैं पापा, आप मुझे बता दीजिएगा कि आपका कितना खर्चा हुआ है और मैं विद इंटरेस्ट आपको वो खर्चा लौटा दूंगा। तू ये तो कैसी बातें कर रहा है? अनुपमा, मैं बात करूंगा इससे, बता तुझे, तू मां बाप का कर्ज उतारेगा? हाँ उतारूंगा। तो उतार कर्ज, अपनी मां के आंसुओं का कर्ज उतार, अपने बाप के पसीने का कर्ज उतार और बाप बापू जी की दुआओं का कर्ज उतार।